नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे मस्से यानी वाट्स। इसके अलावा जानेंगे मस्सों की होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम अगली वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मस्से को चिकित्सा विज्ञान की भाषा में वरुक के नाम से भी जाना जाता है। मस्से त्वचा पर होने वाली छोटी मोटी वृद्धि है, जो शरीर के किसी भी हिस्से में दिखाई दे सकते हैं और अक्सर ठोस फफोले जैसे लगते हैं। मस्से ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण त्वचा और श्लेष्मिक कोशिकाओं में तेजी से वृद्धि होने से बनते हैं। लगभग 100 से अधिक प्रकार के ह्यूमन पेपिलोमा वायरस पाए जाते हैं, जो शरीर के विभिन्न भागों को संक्रमित कर सकते हैं। होम्योपैथिक उपचार के अनुसार बीमारियां होने की आंतरिक प्रवृत्ति, मियाज्म और बाहरी वायरस बीमारी का कारण बन सकते हैं। आमतौर पर यह समस्या पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। इससे मस्सों के विकास में हमारी जन्मजात प्रतिरक्षा की भूमिका का पता चलता है। मस्से के इलाज के पारंपरिक तरीकों में दर्द और निशान बन सकते हैं। इसके विपरीत होम्योपैथिक उपचार सुरक्षित, हल्का, कोमल तथा दर्द रहित होता है। व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार, लक्षणों के अनुसार चुनी गई दवाओं से मस्से का इलाज बेहतर ढंग से होता है। मस्सों की होम्योपैथिक दवाएं। एंटीमोनियम क्रूडम, सामान्य नाम ब्लैक सल्फाइड ऑफ एंटीमनी। एंटीमोनियम क्रूडम का उपयोग तलुओं पर होने वाले सिंग जैसे मस्से के इलाज के लिए किया जाता है। यह दवा पैरों के तलुओं पर एक साथ होने वाले फोड़ों और मस्सों का भी अच्छी तरह से इलाज करती है। इस दवा को मुख्य रूप से उन स्थितियों में दिया जाता है जो गर्मी से या ठंडे पानी में स्नान करने से बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति जो धूप को सहन करने में असमर्थ होते हैं और अचानक दर्द का अनुभव करते हैं, तो उन्हें इस दवा से लाभ होता है। कैल्केरिया कार्बोनिका, सामान्य नाम कार्बोनेट ऑफ लाइम। चेहरे और हाथों पर मस्से, अस्वस्थ, आसानी से छाले हो जाने और लटकने वाली त्वचा, छोटे छोटे घाव जो आसानी से ठीक नहीं होते, संक्रमण या तनाव के कारण सिर, गर्दन और कानों के आसपास की ग्रंथियों में सूजन, अंडे खाने की इच्छा करना। कॉस्टिकम, सामान्य नाम हैनिमेनस टिंक्चुरा एक्रिस साइनकाली। यह दवा मुख्य रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जिनके चेहरे पर मस्सों के साथ सफ़ेद रंग की त्वचा होती है। त्वचा में जलन और खराश जैसे लक्षणों के लिए यह दवा दी जाती है। डलका मारा, सामान्य नाम बिटर स्वीट। चेहरे के बड़े सपाट या चिकने मस्सों के लिए यह दवा सबसे उपयोगी है। यह माथों, बाहों और चेहरे पर होने वाले मस्सों के उपचार में अत्यधिक लाभकारी है। फेरम पिक्रिकम, सामान्य नाम पिक्रेट ऑफ आयरन। पूरे हाथों पर मस्से हो जाना, पीले रंग के फोड़े हो जाना। नाइट्रिकम एसिडम, सामान्य नाम नाइट्रिक एसिड। बड़े मस्से जिनसे धोने पर खून आता है, ऐसे मस्से जिनसे आसानी से खून बहने लगता है, जो दर्द के साथ साथ संवेदनशील होते हैं, जो जिगजग आकार में होते हैं तथा अजीब किनारों और कच्चे मांस की तरह दिखते हैं। चेहरे पर काले रंग के छिद्र, छोटे दाने जो माथे पर बढ़ जाते हैं, ठंड और गर्म मौसम में शाम और रात में लक्षण को बढ़ जाना। थुजा ऑक्सीडेंटलिस, सामान्य नाम ऑर्बर विटे। यह दवा शरीर के किसी भी हिस्से पर दानेदार, बड़े या गद्देदार मस्सों के लिए एक अच्छा उपाय है। जननांगों के आसपास मस्से और अल्सर होना, चकत्ते और दाने, अत्यधिक पसीना आना, इन लक्षणों में इस दवा का प्रयोग किया जाता है।
मस्सों से संबंधित मरीजों के लिए परामर्श। होम्योपैथी लक्षणों पर आधारित चिकित्सा पद्धति है। यदि मस्सों की समस्या काफ़ी पुरानी है तो चिकित्सक की परामर्श से दवा का सेवन जरूर करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसी प्रकार की होम्योपैथी से जुड़ी जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।